গুলিকাণ্ডে ধৃত অভিযুক্ত কয়লা মাফিয়া জয়দেব মণ্ডলকে 4 দিনে সিআইডি হেফাজতে নির্দেশ দিলেন আসানসোল আদালতের বিচারক। শনিবার তাকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল আদালতে পেশ করে সিআইডি। জানা গিয়েছে 2023 সালে অক্টোবর মাসের 30 তারিখে আসানসোলে তার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় জয়দেব মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ করেছিলেন ব্যবসায়ী দীনেশ গড়াই। এই মামলায় মূল অভিযুক্ত জয়দেব মণ্ডলকে খুঁজে পাচ্ছিল না সিআইডি। প্রসঙ্গত চলতি বছরে 21 মে আসানসোল সিবিআই আদালতে কয়লা পাচার মামলায় চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন জয়দেব মণ্ডল। সেই দিন সিবিআই আদালতে সিআইডি গিয়েছিল জয়দেব মণ্ডলকে খোঁজার জন্য। শেষমেশ এই দিন জয়দেব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল আদালতে পেশ করলে বিচারক 4 দিনে সিআইডি হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছে। हीरापुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के कार्यकुशलता से 27 तारीख से लापता 13 वर्षीय एक लड़की का पता 3 दिनों के अंदर चल गया और उसे उसके परिवार के हाथों सौंप दिया गया। इससे परिवार के लोग बेहद खुश हैं और उन्होंने हीरापुर पुलिस थाने के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। लापता लड़की की माँ किरण सिंह ने बताया कि 27 तारीख सुबह से उनकी लड़की लापता थी। उनके घर में और आसपास काफ़ी ढूंढा गया लेकिन जब वह नहीं मिली तो उन्होंने रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तो उन्होंने हीरापुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने तभी उनको आश्वासन दिया था कि वह जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढ के लाएंगे और 3 दिन के अंदर पुलिस अधिकारियों ने अपना वादा पूरा किया जिससे वह बेहद खुश है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उसके लिए अध्यक्ष सर बहुत हेल्प किया है लोग, उनको इसी का शुक्रिया अदा करना है। उन लोगों का वो मेरा लड़की को सही सलामत ले आ दिए हैं। कब से लापता था? 27 तारीख से सुबह 6 बजे से। कितना लड़की का? 80 साल 13 वर्ष। कहाँ से मिले? कहाँ पर? अब मिली अभी हमको डिटेल्स मालूम नहीं हुआ। हस्बैंड गए थे साथ में। अच्छा। हस्बैंड गए थे मेरे और यहाँ से थाना प्रभारी सभी लोग गए थे। ऐसे लापता हुआ मतलब सुबह में उठी है उसके बाद खोल रहे हैं घर में कहीं नहीं मिली है। उसके बाद हम लोग पूरा ऊपर नीचे सब जगह खोज रहे हैं। फिर जाके हम लोग रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन सब जगह सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए। सर लोग भी हेल्प किया कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी चेक करवाए हैं हम लोगों का और उसके बाद देखे हम लोग की कहीं नहीं नजर आ रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिशन फॉर्म भर के दिए। फिर उसके बाद 3 दिन हुआ तब सर लोग बोल रहे हैं कि आप शांति पूर्वक रहिए हम लोग आपका लड़की का कहीं से ढूंढ के निकाल दें। लेकिन सर लोग बोले थे वादा किए थे मेरा लड़की को वादा पूरा करके दिए। नहीं उस दिन आप कि नहीं कर रहा था कोई मेरा लड़की का मामला था सर मिल नहीं रही थी तो किसी माँ को भी टेंशन हो सकता है सर है कि नहीं। लड़की का बात है लड़की आने के बाद क्या थी वो आने के बाद क्या बताइए आपसे बात हुआ आपका नाम किरण